फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इनफिनाइट मैथ्स। तो लास्ट क्लास में जैसा हम लोग पढ़े थे, ट्रिगोनोमेट्री हम लोग शुरू करने वाले थे, ठीक है। तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में सारा कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ट्रिगोनोमेट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम लोग कहीं घूमने गए, ठीक। मान लीजिए कि आप और आपके दोस्त दो लोग आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक। और मान लीजिए एक सामने एक टावर है, हमने एक टावर बनाया। अब एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को बोला कि क्या तुम ये बता सकते हो कि इस टावर की हाइट क्या होगी। तो हम लोग बिना मेजर किए हुए, तो दूसरा दोस्त बोलता है अब इतने लंबे टावर को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, अब कौन मेजर करता होगा इसको। तो फिर इसने बोला कि हम लोग को इसको मेजर करने के लिए कोई टेप की जरूरत नहीं है, हम लोग एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिससे हम लोग इसका हाइट पता कर सकते हैं। तो इसने पूछा क्या, तो इसने बोला इसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग लेना चाहेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, बीच में नदी है और यहाँ पे उसका घर है। अब यहाँ पे फिर ये सोच रहा है कि इस नदी की चौड़ाई कितनी होगी या फिर इसका लेंथ कितना होगा। तो यहाँ पे अब ये डायरेक्ट तो इसका पता नहीं कर पाएगा या फिर इसको मेजर करने में काफी दिक्कत आएगा। तो इस चीज को भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से सीख सकते हैं, ठीक है। अब एक थर्ड एग्जांपल जो आपकी बुक का ही है वो मैं लेना चाहूंगा कि एक छोटी सी बच्ची जो कि एक पैराशूट को उड़ते देखती है, छोटी सी बच्ची क्या की पैराशूट को उड़ते देखी घर के बाहर, ठीक है। और वो घर दौड़े दौड़े गई और अपनी मम्मी को बुला के लाई कि मम्मी चलो मैं पैराशूट दिखाऊंगा तुम्हें। अब जब वो उसकी मम्मी बाहर आई घर से, तो वो देखी कि ये पैराशूट काफी दूर चला गया। अब यहाँ पे भी अगर वो बोलेगी उसकी मम्मी कि ये तो बहुत दूर चला गया, लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ पे तो ये कम दूरी है लेकिन ये तो बहुत ज्यादा दूर चला गया, तो ये कितना दूर गया। तो ये भी डिस्टेंस हम लोग आपका ट्रिगो से इजिली फाइंड कर सकते हैं। और यही सब चीज के लिए जिसमें अगर हम लोग मैनुअली करने जाए तो बहुत मेहनत लगेगा, लेकिन इस टेक्निक से हम लोग किसी भी चीज का हाइट ब्रेड और लेंथ हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का मतलब समझेंगे। ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली में तीन वर्ड से मिलके बना है, कौन कौन सा, एक ट्राई, एक कॉन और एक मेट्रॉन। अब इन तीनों का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है थ्री, कॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। तो हम लोग ट्रायंगल में भी देखे हैं कि ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, तीन साइड्स होते हैं। तो ट्रायंगल में भी तीन साइड्स होते हैं और जिनका मेजरमेंट हम लोग सीख चुके हैं ट्रायंगल में। तो किसी भी चीज का हाइट को अगर मान लीजिए ये पर्सन है, इसकी बेस को और इसके बेस को जोड़ दिया जाए और इसके हाइट से यहां मिला दिया जाए तो ये भी एक ट्रायंगल शेप बनता है। इसका मतलब ट्रिगोनोमेट्री भी ट्रायंगल से रिलेटेड है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री में एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे क्या, ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ेंगे हम लोग, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे किसके किसके बारे में, ट्रायंगल्स के एंगल्स के बारे में और उसके साइड्स में। किसी भी ट्रायंगल का साइड्स और उसके एंगल के बीच क्या रिलेशन होता है, ये हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। मान लीजिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसको हम लोग एबीसी ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है। और जो भी रेशियोज पढ़ेंगे वो हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे, एक्यूट एंगल के लिए। एक्यूट मतलब जीरो से ज्यादा और 90 से कम। तो ये एक्यूट एंगल ए हम लोग ले लेते हैं। अब
इसका नाम देने के लिए जो भी ट्रिगोनोमेट्री नाम लाया वो लाया साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ठीक है, बाकी और तीन जो होता है इसी का रेसिप्रोकल होता है। तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में सीखेंगे, आखिर किन साइड्स को लेके साइन बना, फिर कोसाइन किन साइड्स को लेके बना, टेंजेंट किन साइड्स को लेके बना, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले एक अच्छा सा हम लोग ट्राइंगल बना लेंगे, जो भी रेशियोज अभी हम लोग पढ़ेंगे वो इस एंगल के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग लिखते हैं साइन ऑफ एंगल ए, तो ये साइन ऑफ एंगल ए, तो इसमें इस एंगल के लिए हम लोग किन साइड्स को लेंगे, तो साइन के लिए कौन सा साइड लिया जाता है, ये साइड, ये आपका कौन सा साइड होगा, ये आपका ऑपोजिट साइड। आप लोग देख भी रहे होंगे कि इस एंगल के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, ये वाला, और हाइपोटेन्यूस कौन सा हो जाएगा, ये वाला। और इस साइड का एडजेसेंट साइड कौन सा होगा, ये आपका एडजेसेंट साइड होगा, ठीक है। तो साइन ए के लिए हम लोग कौन कौन सा साइड लेंगे, ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस, मतलब बीसी बाय एसी, ठीक है, ये आपका साइन ऑफ एंगल ए हो जाएगा। कोसाइन ऑफ एंगल ए क्या होगा, कोसाइन ऑफ एंगल ए क्या होगा, अब यहां पे हम लोग कौन सा साइड्स लेंगे, एडजेसेंट और हाइपोटेनियस को लेंगे, तो एडजेसेंट क्या हो जाएगा आपका ए बी, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा ए सी। सिमिलरली हम लोग टेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या लेंगे, टेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या लेंगे, अब हम लोग यहां पे लेंगे ऑपोजिट और एडजेसेंट का, ऑपोजिट साइड आपका क्या हो गया, ठीक है। अब इनका रिवर्स जब करेंगे, तो साइन का जब रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा, कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, और ये आपका क्या हो जाएगा, ए सी बाय बी सी, ठीक है। और कोसाइन का जब रिवर्स करेंगे तो क्या होगा आपका, सिकेंट, सिकेंट ऑफ एंगल ए, और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, ए बी बाय ए सी। यहां तक समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अब जो लास्ट बच गया टेंजेंट, टेंजेंट का उल्टा क्या होगा आपका, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, और कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, ए बी बाय बी सी, ठीक है। तो अब हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले साइन ए लिए, साइन ए के लिए हम लोग कौन कौन सा साइड लिए, बी सी और ए सी, इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या पढ़ते आए हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। कोसाइन ऑफ एंगल ए क्या हो गया, ए बी और ए सी, ए बी क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा, और एसी क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या लेंगे, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या लिए हैं, बीसी बाय एबी, बीसी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और एबी क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। इसी तरह हम लोग जो रेसिप्रोकल लिए हैं, कोसिकेंट, कोसिकेंट क्या लिए हैं, एसी बाय बीसी, एसी बाय बीसी क्या हो जाएगा आपका, एच बाय पी, ठीक है। सिकेंट ऑफ एंगल ए बी बाय ए सी लिए, तो सिकेंट में हम लोग क्या यूज करेंगे, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, एच बाय बी। अब हम लोग जो कोटेंजेंट लिए हैं, कोटेंजेंट का रिवर्स क्या हो जाएगा आपका, बी बाय पी, ठीक है। तो ये आपका हो गया सारा रेशियो। अब इन रेशियो से जो हम लोग ये शॉर्टकट पढ़ते आए हैं,
अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये पता हो और ये पता हो, तो इनमें से सबका वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग शॉर्टकट पढ़ते हैं पीबी, इनका शॉर्टकट हम लिखते हैं आप लोग जो शॉर्टकट अभी तक जानते आए हो वो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। लेकिन हम आज एक नया शॉर्टकट इसका लेके आए हैं, वो शॉर्टकट काफी फनी है, ठीक है, इसलिए आप लोग को जल्दी यही आसानी से याद रहेगा और सबके दिमाग में बैठ जाएगा। तो वो क्या है कि मान लीजिए आज के जमाने में सब लोग पढ़ाई लिखाई को छोड़ के बाकी कामों में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने ट्रैक से नहीं हटो, उसके लिए हम ये शॉर्टकट बनाए हैं, ठीक है। तो सपोज कि कोई भी एक प्रेमी अपनी प्रेमिका या फिर कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को लव लेटर देता है, ठीक है, तो इसका हम लोग क्या बना सकते हैं, प्रेम भरा पत्र, ठीक है। पी से क्या हो जाएगा, प्रेम, बी से क्या हो जाएगा, भरा, और पी से क्या हो जाएगा, पत्र। अगर कोई भी आपको अगर प्रेम भरा पत्र, ऐसे तो पत्र का जमाना है नहीं, लेकिन अगर कोई आपको प्रेम भरा पत्र देता है तो आपको क्या रिप्लाई देना है जिससे आप अपने ट्रैक से नहीं हटो, तो क्या बोलना होगा आपको, हम हैं बकलोल, मतलब कि ये सब मेरे बस की बात नहीं है, हमें बकलोल, ये सब मुझे मत दो, ठीक है। सबको याद रहेगा, प्रेम भरा पत्र, हम है बकलोल, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि अब तक जो भी बताए होंगे वो आप सबको क्या होगा, सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो भी रेशियोज हम लोग पढ़े, अब उन रेशियोज का क्या वैल्यू होता है, इनमें से जो अगर हम लोग मान लेते हैं कि साइन ए इनका शॉर्टकट है, ठीक है, साइन ए हम लोग क्यों लिख रहे हैं, ये ए क्या है, इसमें ये ए आपका क्या है, एंगल। अगर हम लोग इस चीज को अगर लिखते हैं साइन थीटा, ठीक है, ये आप किसी के साथ भी लिख सकते हो, साइन कॉस टैन, ठीक है। साइन ए, ए यहाँ पे एंगल को रिप्रेजेंट करता है, थीटा भी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और अगर हम इस चीज को अलग करते हैं, साइन को अलग, थीटा को अलग, तो इन दोनों का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को साथ में ही लिखना है। साथ में लिखने का मतलब ये नहीं है कि ये साइन और थीटा आपस में मल्टीप्लाई होगा, बल्कि ये दोनों साथ ही क्या बनते हैं, मीनिंगफुल बनते हैं, अलग अलग इनका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। ये साथ ही क्या होंगे, मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब इतना जो हम लोग पढ़े, इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे कि यहाँ पे देखे होंगे आप लोग कि साइन का फॉर्मूला था और कॉस का फॉर्मूला था, दोनों के फॉर्मूला में हम लोग नीचे क्या लिखते थे, हाइपोटेनियस। दोनों किससे डिवाइड हुआ था, हाइपोटेनियस से, ठीक है। तो जब हम इनका वैल्यूज पढ़ेंगे या फिर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो याद रखिएगा साइन और कॉस का वैल्यू कभी भी आपका एक से बड़ा नहीं होगा, एक से कभी भी बड़ा नहीं होगा आपका वैल्यू, और कभी भी एक से बड़ा नहीं होगा, और एक के बराबर भले हो सकता है लेकिन एक से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। जो भी वैल्यू होगा आपका वो एक से कभी भी बड़ा नहीं होगा, किनका, साइन और कॉस का। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है ट्रायंगल का वो कौन सा है, हाइपोटेनियस, और इसी से हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के रेशियोज में हाइपोटेनियस से ही डिवाइड किया जाता है, इसीलिए इनका वैल्यू ना तो कभी एक के बराबर हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक से बड़ा कभी नहीं होगा, ठीक, एक से बड़ा इनका वैल्यू कभी नहीं होगा, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है? तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका कंसेप्ट इतना ही है। अब हम आपको ये बताते हैं कि अगर कोई भी एक रेशियो आपको अगर दिया हो क्वेश्चन, तो हम लोग उससे आसानी से आपका बाकी का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो उसको जानने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए आपका साइन ए, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, साइन ए अगर आपका 3/4 है, 3/4 साइन में तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो 3/5 लेते हैं, ठीक है? साइन ए अगर आपका 3/5 है, तो बाकी के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड करना रहेगा, ठीक है? तो साइन ए 3/5 है, तो साइन ए का हम लोग रेशियो क्या पढ़े थे? साइन ए का रेशियो क्या पढ़े थे? P/H, मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं? ऑपोजिट साइड को। ऑपोजिट साइड कौन सा है? ये वाला, ठीक है? ये वाला आपका P हो गया, ये वाला P हो गया, और ये वाला H हो गया, ठीक है? अब P कितना है आपका? P 3 है। H कितना है? 5 है। तो ये वाला साइड 3 हो गया, ये वाला साइड 5 हो गया। अब हम लोग सब को जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम सब पढ़े हो। पाइथागोरस थ्योरम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होता है? तो ये होता है आपका h² √P² + B², ठीक है? h क्या होगा? P² + B² √ में, ठीक है? ये स्क्वायर यहाँ लिखे थे, वो इधर जाके रूट बन जाता है। तो एच हमारे पास दिया हुआ है 5, P² क्या है? 3 का स्क्वायर। B² क्या है आपका? कुछ नहीं। अब रूट का काम यहाँ नहीं है, तो इधर ही ले आओ। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, और B², तो B² बराबर कितना हो जाएगा? 16। तो B बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो B हमारा कितना आ गया? B 4 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे, हमारे पास तीनों साइड्स अब हम लोग फाइंड कर चुके हैं। जब तीनों साइड हमारे पास है, तो सिंपली हम लोग को सही सही रेशियो लिखना है, और उसका वैल्यू तो हम लोग कैलकुलेट कर ही लेंगे। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया है? या फिर से बता दें, ये जो हम लोग एच स्क्वायर, अगर ये रूट हटा दे तो हम लोग यहाँ एच स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? 5² हो जाएगा। 5² का मतलब 25, 3 का स्क्वायर 9, और ये B², तो B² हम लोग इधर ले आए, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 16, और ये B = 4। अब तीनों साइड हमारे पास है, जब तीनों साइड्स हमारे पास हैं, तो हम लोग बाकी को कैसे लिखेंगे? यहां देखिए, मान लीजिए कॉस ए लिखना है। कॉस ए हम लोग क्या पढ़े थे? B/H। B/H क्या है? 4/3, ठीक है? अब हम लोग को लिखना है टेन ए। टेन ए क्या पढ़े थे? P/B। P क्या है? 3, और B क्या है? 4, ठीक है? यहां तक क्लियर है? साइन ए 3/5 था, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग बी फाइंड किए, ये आपका 4 आया, ठीक है? उसके बाद कॉस ए क्या होता है? B/H होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। उसके बाद ये वैल्यू क्या निकला? 4/3, 3 नहीं, 4/5, ठीक है? टेन ए क्या होगा? B/P होगा, और इसका वैल्यू क्या है? 3/4। अब कोसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉसेक किसका उल्टा होता था? साइन का। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5/3। सेक ए किसका उल्टा होता था? सेक ए कॉस का उल्टा होता था, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 5/4। टेन ए किसका उल्टा होता था? सॉरी, टेन ए नहीं, कॉट ए। कॉट ए किसका उल्टा होता था? टेन का। 3/4, 4/3।
तो अगर एक का वैल्यू पता हो तो हम लोग बाकी सारे का वैल्यू पता कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। हम लोग आज क्या देखें?